हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जिसको हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो हमारी वेल्थ को बहुत अच्छा ये जो है कंपनी बना सकता है। ये कंपनी बिलोंग करती है सैनिटरी, यानी कि अपने जो नल के सामान होते हैं सारे, जो बाथरूम में काम आते हैं, किचन एसेसरीज जो भी होती है, और अपने फ्लोरिंग पे टाइल्स लगती है, बाथरूम में टाइल्स लगती है, उनका बिजनेस इस कंपनी का है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलता रहेगा, इस कंपनी का बिजनेस भी चलता रहेगा। और आपको ये तो पता ही है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है कभी बंद नहीं होने वाला है, तो इस कंपनी का बिजनेस भी जो है कभी भी बंद नहीं होने वाला है। तो अगर हम इस कंपनी को SIP मोड में एक एक या दो दो शेयर की SIP कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 10 से 15 साल के लिए, तो ये कंपनी जो है हमारी वेल्थ को बहुत अच्छा बनाकर देगी। तो इस कंपनी में स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, इस कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे हम, इस कंपनी की वेबसाइट देखेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, और इसके कुछ लेवल्स देखेंगे, जहां तक अगर आ जाए ये शेयर तो हमें डरने वाली बात नहीं है, उस टाइम पे हम इसमें ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसका फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स से पहले देख लेते हैं इस कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कंपनी का नाम जो है स्टॉक का, सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। सेरा सैनिटरी वेयर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड इज हैविंग नॉन कन्वेंशनल विंड एंड सोलर पावर फॉर कैप्टिव यूज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ये कंपनी हीटर भी बनाती है। तो कंपनी के देखते हैं सबसे पहले मार्केट कैप, देखिए 3,509 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,698 रुपये चल रही है। 52 वीक हाई जो बनाया है 3,504 रुपये का, 52 वीक लो बनाया है 2,151 रुपये का। डिविडेंड भी अच्छा देती है, 0.44% है। फेस वैल्यू 5 की कंपनी है, बहुत अच्छा। कभी भविष्य में स्प्लिट होती है तो हमारे शेयर जो है 5 गुना हो जाएंगे, मतलब एक शेयर है हमारे पास तो अगर 5 से 1 में स्प्लिट होती है तो एक शेयर की जगह हमारे शेयर कितने हो जाएंगे, 5 शेयर हो जाएंगे। डेप टू इक्विटी देखिए 1 से कम है, कर्जा ना के बराबर है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत शानदार है 54.75%। प्लेज परसेंटेज देखिए 0.00%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। रिजल्ट देखिए 598 करोड़ का। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इस कंपनी का, सेल्स देखिए 331 करोड़ से 319 करोड़, यहाँ पर जो है सेल्स कम हुई है, लेकिन मैं दिसंबर 2017 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो सेल्स देखिए 291 करोड़ से 319 करोड़ हुई है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्वार्टर में जो है कभी रिजल्ट जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2017 में 41 करोड़ था, अभी 46 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में भी 46 करोड़ का ही था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14% जो है मेंटेन करके रखा है, और नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर 2017 में 23 करोड़ था, अभी 28 करोड़ है, और इससे पिछले वाले क्वार्टर में भी 28 करोड़ था। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट जो है ठीक ठाक है, और दिसंबर 2017 क्वार्टर के कंपेयर में बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। सेल्स देखिए 1,182 करोड़ से 1,291 करोड़ की हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 171 करोड़ से 178 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% का मेंटेन करके रखा है, और नेट प्रॉफिट देखिए आप 100 करोड़ से 108 करोड़, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इसका कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करती आ रही है। और इसका 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल की 24.98%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 25.32%, और ROE जो दिया है इसने देखिए 22.11, यानी कि ऑलमोस्ट 22% से जो है इन्वेस्टर्स का पैसा जो है कंपाउंड हुआ है। तो 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने। मैं आपको टोटल परसेंटेज में अभी आगे बताता हूँ कि इस कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और TTM में भी देखें तो ROE इसने 17% का मेंटेन करके रखा है, तो बहुत ही अच्छी है ये कंपनी। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व भी बढ़ चुका है 598 करोड़ से 628 करोड़ का हो चुका है। टोटल असेट्स कंपनी का जो है 985 करोड़ का हो चुका है, और कैश फ्लो भी
पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस कंपनी का बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी जो है हमारे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो कंपनी हमारे लिए सेफ रहेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है बंद नहीं होने वाला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जब तक चलता रहेगा सेरा कंपनी के प्रोडक्ट्स तब तक बिकते ही रहेंगे। अब देखते हैं इसके रिटर्न्स। रिटर्न्स पे देखिए सेरा सैनिटरी वेयर एक साल में देखिए इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अभी देखिए 1 वीक में 3.66%, 1 मंथ में 23.52%, ईयर टिल डेट में 15.28%, 1 ईयर में डाउन है, और 3 ईयर में देखिए 52%, 5 ईयर में 214%, और 10 साल में देखिए 9,469% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने इन्वेस्टर्स को जो है पैसा बना के दिया है, जबकि सेंसेक्स का देखिए आप 328% का बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया है इसने लॉन्ग टाइम में। इसीलिए लॉन्ग टाइम में जो है वेल्थ बहुत अच्छी क्रिएट होती है अगर हम एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो इसका पी भी देखिए 32.73 और इंडस्ट्री पी देखिए 43.91, तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी अभी ये शेयर जो है अच्छे वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। अब देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी देखिए गुड क्वालिटी की कंपनी है। वैल्यूएशन देखें हम तो वैल्यूएशन इसकी जो है अट्रैक्टिव है, इजीली आप अपना पैसा अभी अच्छा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बड़ा पैसा भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप SIP मोड में इसको जो है बाय करते रहिए। ये देखिए आज जो है इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, 2727 रुपये हो चुका है इसका प्राइस। तो आप इसको क्या है एक एक शेयर करके बाय करते रहिए, और जब भी इसमें डिप मिलती है तब ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करो, क्योंकि कंपनी अच्छी है। कंपनी का स्टॉक हो सकता है किसी क्वार्टर में कोई ख़राब रिजल्ट आ जाए तो गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने ही वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करो अगर गिरती है तो। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग है 54.75%, नॉन इंस्टीट्यूशन ने 28.13% का, म्यूचुअल फंड 8.8%, और FII की होल्डिंग है 8.2%, और अदर DII की है 0.08%। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगा कर रखा है और 55 FIIs ने इसमें जो है पैसा लगा रखा है, और हाईएस्ट जो होल्डिंग है वो है विक्रम इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 22.3%, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखिए आप HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो अच्छी कंपनीज में इसमें पैसा जो है लगा रखा है, अच्छे म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगा रखा है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड का देखिए आप सितंबर 18 से दिसंबर 18 में म्यूचुअल फंड ने जो है 0.81% जो है होल्डिंग बढ़ाई है, FIIs ने थोड़ी कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए आप कितना अच्छा परसेंटेज बढ़ा है। यानी कि म्यूचुअल फंड भी आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस टीमें होती है, रिसर्च करके बहुत ही रिसर्च करके फिर स्टॉक्स को बाय करती है, तो उनको भी इस स्टॉक में जो है पोटेंशियल लग रहा है कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके वेबसाइट देखने से पहले हम इसके लेवल्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लेवल रहेंगे जहाँ तक ये आ सकता है अगर गिरावट होती है तो। पहला तो जो लेवल रहेगा वो 2587 रुपये का रहेगा, 2587 रुपये। दूसरा लेवल रहेगा 2500 रुपये के आसपास, और तीसरा लेवल जो रहेगा 2433 रुपये के आसपास। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये इसके 52 वीक लो के पास जाता है जो कि कितना है 2151 रुपये, तब तक हमारे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस स्टॉक को ऐड करते रहिए। और 2151 भी आ जाए तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करें। अब हम देखते हैं इसकी वेबसाइट में देखिए सैनिटरी वेयर में देखिए WC's वॉश मशीन बनाती है, स्पेशल नीड्स रेंज यूरिनल्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लशिंग सिस्टम बनाती है, सिस्टर्न सीट कवर्स बाथ एसेसरीज ग्रीन प्रोडक्ट्स किड्स रेंज, उसके अलावा आप टाइल्स देखिए कितनी टाइल्स बनाती है।
टाइल्स का देखिए आप, ये देखिए वर्टिफाइड विट्रीफाइड टाइल्स, विट्रीफाइड वॉल टाइल्स है, पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स, सिरेमिक फ्लोर टाइल्स है। तो कुल मिला के टोटल जो जितनी भी अपने जो मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, उसमें जो इस तरीके की भी टाइल्स लगती है वो सारी ये जो है कंपनी बनाती है। और इस कंपनी की टाइल्स भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और लोगों के मुंह पे इनकी टाइल्स का जो है नाम है, किसी से पूछते भी हैं कौन सी टाइल्स लगाए तो सेरा की टाइल्स लगाई है ऐसा बोलते हैं। तो कंपनी अच्छी है, वाटर हीटर्स भी बनाती है ये, देखिए वाटर हीटर्स हो गए, सेरा स्पेशली मेंशन किया हुआ है इनके हीटर्स के ऊपर। उसके बाद देखिए बीम प्रोडक्ट बनाती है, उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स में देखिए वेलनेस के किचन सिंक्स भी बनाती है, मिरर्स, स्टाइल सील, सेरेना और सेरेनिटी। तो कुल मिला के जो है इसके प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं और इस कंपनी का बिजनेस तो ग्रो हो गई और सेल्स भी, जैसे ही कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है वो बूम करेगा और ज़्यादा, तो इस कंपनी की ग्रो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप इस कंपनी में ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे एक शेयर बाय करना है या दो शेयर बाय कर दीजिए। तो आपको करना क्या है कि मेरी जो एडवाइस रहेगी इसमें आप एक शेयर बाय कीजिए, एक डेट डिसाइड कर दीजिए, उस डेट को एक शेयर बाय करो और जब भी इसमें गिरावट आती है उस समय आप क्वांटिटी शेयर की बढ़ाओ, ताकि क्या होगा आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में जो है उस एवरेज प्राइस का इफेक्ट साफ नजर आएगा, क्योंकि आपको रिटर्न जो है ज़्यादा मिलेगा। और इस कंपनी ने अगर पिछले 10 साल में जैसा परफॉर्म किया है वैसा अगर परफॉर्म कर दिया तो ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा, आप इसमें रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं इस स्टॉक के द्वारा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले उन्हीं को दिखते हैं जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये चैनल, और हम इस चैनल पर जो है बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लाते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वही स्टॉक जो है हम अपने चैनल पर लाते हैं ताकि लोगों का पैसा बने ना कि डूबे। थैंक यू।